दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सीएम नीतीश समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल। ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बने। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़े फैसलों के लिए नीतीश अधिकृत। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगे जेडीयू के पोस्टर, सीएम नीतीश को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग। जेडीयू के पोस्टर में गठबंधन को मैसेज लिखा, इंडी मांगे नीतीश, गठबंधन को जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश चाहिए। जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के लगे पोस्टर, लिखा प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। दिल्ली में सीएम नीतीश से मिले जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले की चर्चा। नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर बोले सम्राट चौधरी, ये नीतीश प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, एनडीए में आने की कोई चर्चा नहीं। संजय राउत ने कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, 2024 में 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। संजय राउत ने संजय निरुपम को गांव गली का नेता बताया, कहा हमारी वजह से पुणे उपचुनाव जीती कांग्रेस जबकि कई राज्यों में हार गई चुनाव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, बोले केवल कांग्रेस में ही देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर जयराम रमेश का बयान, 4 जनवरी को दिल्ली में होगी कांग्रेस की मीटिंग। कांग्रेस की बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल होगी बैठक। मीटिंग में भारत न्याय यात्रा की रूट को दिया जाएगा अंतिम रूप। सीएम ममता बनर्जी का कांग्रेस सीपीआईएम पर बड़ा हमला, बंगाल में बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप। उत्तर 24 परगना में सीएम ममता का ऐलान, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी टीएमसी जबकि देश में इंडी गठबंधन करेगा मुकाबला। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी को बताया हिंदू विरोधी, कहा राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रही ममता। जयपुर में महिलाओं ने सीएम भजन लाल का जताया आभार, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने का दिया धन्यवाद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट, लिखा गौ तस्कर पकड़ने में मेरे खिलाफ ही दर्ज हुआ केस, सीएम सोरेन को किया टैग। मिजोरम के सीएम लाल दुहुमा की पोस्ट, राज्य में सीबीआई को जांच की दी सहमति, सरकार ने जारी की गजट। बेंगलुरु में तोड़फोड़ करने वाले कन्नड़ संगठन के 15 वर्कर रिहा, अभी भी जेल में संगठन प्रमुख नारायण गौड़ा समेत तो 40 वर्कर। चेन्नई पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, कैप्टन विजयकांत के अंतिम दर्शन किए, दिए श्रद्धांजलि। चेन्नई में कमल हासन गए विजयकांत को दी श्रद्धांजलि, डीएमटी के चीफ विजयकांत का कल हुआ निधन। इंडियन नेवी ने एडमिरल एप्लोट्स के नए डिजाइन का किया अनावरण, नेवी फ्लैग और शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित। विवेक श्रीवास्तव फायर ब्रिगेड नागरिक सुरक्षा होमगार्ड्स के नए डीजी, केंद्र सरकार ने भी नियुक्ति की। विजयवाड़ा के पुराने सरकारी अस्पताल में आईपीएचएल लैब का उद्घाटन, क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक की आधारशिला। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा सख्त, ड्रोन से निगरानी की तैयारियां। अयोध्या में दिखे डिजाइनर गुलाब के फूल, राम मंदिर, पीएम मोदी, सीएम योगी की तस्वीर, गुजराती कपल ने किया डिजाइन। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले महिलाओं ने की अवसान मैया की पूजा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बिना किसी बाधा के संपन्न हो इसलिए की गई पूजा। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम अंतिम दौर में, पत्थरों की सफाई और खिसाई काम में जुटी महिला कार्यकर्ता। रामेश्वरम से अयोध्या पहुंची राम मंदिर के लिए घंटी, 600 किलो वजनी घंटी पर जय श्री राम अंकित। उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने बनाई रामलला की स्वर्ण चरण पादुका, करीब 200 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ सफाई की, लोगों के साथ शहर में चलाया स्वच्छता अभियान। केशव प्रसाद मौर्य बोले पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर, 22 जनवरी को पूरे देश में उत्साह की लहर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पोस्ट, लिखा अयोध्या और आबूधाबी में मंदिरों का उद्घाटन करेंगे पीएम, 2024 के लिए हिंदू हृदय सम्राट वाला मैसेज। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एक बंद मकान में मिले 5 कंकाल, एक ही परिवार के 5 लोगों के शव होने की आशंका, जांच शुरू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगी आग, लट्टी इलाके में आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड पहुंची, वहां पर काबू पाया गया। मुंबई पोर्ट पर डीआरआई को बड़ी सफलता, कंटेनर में छिपाई 6.25 करोड़ रुपए की, करीब 34 लाख सिगरेट बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर केन्या की एक महिला नागरिक अरेस्ट, करीब 15 करोड़ रुपए कीमत की 1490 ग्राम कोकीन बरामद। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, टेंट सिटी बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। रण उत्सव में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुविधाओं का रखा जा रहा है ख्याल, पर्यटक खरीदारी से लेकर गुजरात के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उठा रहे आनंद। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के अमरोहा में मेडिकल शॉप में छापा, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली, अवैध तरीके से किया गया था दवाओं का भंडारण, सारी दवाओं को किया गया जब्त, ड्रग विभाग मामले की जांच में बात करेगा कार्रवाई। उत्तराखंड के खटीमा के सुरई फॉरेस्ट रेंज में मिला टाइगर का शव, वन विभाग ने शुरू की मौत की जांच। बिहार के बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा
काल चक्र ग्राउंड में श्रद्धालुओं को दे रहे धर्म का उपदेश। उत्तर भारत में रेलवे पर घने कोहरे का असर, दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट भी डिले, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने पर ट्रैफिक पर असर। पटना में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट से भरी सर्दी, घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम।